Start clapping. Give it up for Suhel, Mohd. मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है और मेरे को ये गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन 90% देश की तरह है. तुम लोगों को जो करना है करो, बस मेरे घर पे मत आना. देखो मेरे पास साउंड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है? मैं बस जोक लिख के लाया हूँ. जेब में कॉन्डम भी है मेरे. हम लोग हंसना है तो हंस लो. ऐसे कोट पहन के कूदने वाला नहीं हो, बस खड़े होके करने वाला. मैं हिलता भी नहीं हूँ स्टेज से. चेहरे पे एक्सप्रेशंस भी नहीं है, बस लिख के लाया हूँ. तुम्हें मेहनत करनी है. तो मेरे ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, मतलब कॉमेडी का नहीं, समाज का. समाज में से कोई ना कोई रोज़ आके बोल देता है, ओए तूने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? नहीं देखा. बोलता चूतिया देखना, बेस्ट शो है वो. तो मैं देखना चालू किया. मैंने 5 मिनट का भी नहीं देखा था. अगले दिन वापस समाज के लोग आए, ओए चूतिया तूने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? हाँ भी. स्टार्ट किया. बोला चूतिया बुक पढ़ना. मैं ज़्यादा है. मैंने बुक पढ़ना चालू किया. मैंने 2 वर्ड्स भी नहीं पढ़े थे. वापस समाज के लोग आ गए, ओए तूने सेक्रेट गेम्स देखा है? इंडियन गेम ऑफ थ्रोन्स है वो, ओरिजिनल देख लो पहले. सीन यही है ना, क्योंकि तुम लोग बिंज वॉच कर लेते हो हर शोज, और इसीलिए हम लोग रोज़ रिलीज करते जा रहे हैं. मुझसे होता नहीं है. मैं सोसाइटी की तरह नम नहीं हूँ इमोशनली. मुझे हर कैरेक्टर को इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है. जो लोग फील कर रहे थे मैं वो फील करता हूँ. मतलब फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने देखना स्टार्ट किया था. मैंने 5 मिनट तक देखा और बहुत ज़्यादा वायलेंट था, तो मैं डिप्रेस हो गया. तो मैंने 3 महीने तक नहीं देखा. मैं 3 महीने बाद वापस यहीं से शुरू करेंगे. मतलब मेरे को देखने में इसलिए टाइम लगता है, मैं 5 मिनट देखता हूँ, उसके बाद 3 घंटा उसको अप्रिशिएट करता हूँ. क्या डायलॉग्स थे, क्या कैमरा एंगल्स थे. तुम लोग की तरह नहीं, बस देख लिया सेक्स सीन्स के लिए. तो ऐसे रोज़ इन लोग रिलीज़ करे जा रहे, रोज़ सिलेबस बढ़ते जा रहा था, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया. अब जॉब बन चुका था मेरा शोज़ देखना. मतलब मैं गया था कॉलेज, उसने बोला वो प्रोजेक्ट किधर है? मतलब चूतिया तूने पर तुझे पता है हैरी पॉटर के 8 पार्ट आ चुके हैं, और बुक पढ़ उसमें ज़्यादा है. मुझे बहुत टाइम लगता है यार शोज़ देखने में. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंसेप्शन 3 साल में ख़त्म की थी. जब तक मैंने इंसेप्शन देखे ख़त्म की, क्रिस्टोफर नोलन ने इंटरस्टेलर बना दी थी. अब तो कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा. इसीलिए मैं थिएटर्स नहीं जाता, क्योंकि उन लोग वो ऐसा 5 मिनट में पॉज नहीं करते ना. मतलब मैं कैरेक्टर्स इमोशनली अटैच हो गया, बोला रोको रोको बाकी लोग उठ के मारेंगे. इसीलिए तो मैं थिएटर नहीं जाता. पर समाज के लोग आ गए थे थोड़े दिन पहले. वही चूते तूने जोकर देखी है? क्या मास्टरपीस है वो. ठीक है जाके देखता हूँ. मैं गया देखने, तो यहाँ पे सबने जोकर देखी है? ठीक है. वैसे भी मैं स्पॉइलर देने वाला नहीं था. तो फर्स्ट सीन में जो मेन कैरेक्टर है वो बिलबोर्ड लेके खड़ा रहता है, और बहुत सारे बच्चे लोग आके उसको मारने लगते हैं. मैं वो सीन देख के डिप्रेस हो गया. तो मैं निकल गया थिएटर के बाहर. वापस 3 महीने बाद आके यहीं से देखेंगे. पर उन लोग थिएटर वाले लोग रुकते नहीं ना, उन्होंने निकाल दी थी. उन लोग को बागी 3 लगानी थी. तो मैं गया 3 महीने बाद वापस देखने. सिंगल स्क्रीन पे कोई लगी हुई थी. तो उस दिन मेरे को जाके पता चला कि खाली मैं ही ऐसे कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ. मेरे जैसा एक और बंदा है जो इमोशनली अटैच होके कर रहा है. मैं बैठा था, जोकर स्टार्ट हुई, वो डिप्रेस था बंदा, मैं भी डिप्रेस हो गया. पर इस टाइम मैंने सीन देखा हुआ था, तो बोला ठीक है कंट्रोल कर लेंगे. फिर आधे घंटे बाद वो कॉमेडी कर रहा था, बोला ठीक है मैं भी यही करता हूँ. फिर थोड़ी देर बाद पता चला कोई हंस ही नहीं रहा था. हाँ ऑलमोस्ट मैं भी यही करता हूँ.
तो मैं डिप्रेस हो गया. पर मेरे पीछे एक और बंदा था, मैं रोने लगा, मेरे पीछे एक और बंदा था वो भी रोने लगा, तो हम लोग का कनेक्शन बैठ गया. तो हम लोग दोनों बाहर आए, हम लोग ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों अपना एक अलग समाज बनाएंगे. अब हम दोनों साथ में शोले देख रहे हैं. देखो ये मेरा लास्ट जोक होना चाहिए था और मेरे पास साउंड इफेक्ट नहीं है. तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय. मोहम्मद सुहेल एवरीवन.